केरल स्टोरी चर्चा में बनी हुई है और इस फिल्म को लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है, लेकिन कई जगह इस फिल्म का विरोध भी किया जा रहा है। फिल्म को कई जगह पसंद भी किया गया है। इसी तरह गोंदिया में ये केरल फिल्म शिंदी समाज द्वारा हजारों महिलाओं को मुफ्त में दिखाई गई है। जहां इस फिल्म को देखने के लिए महिलाएं भारी संख्या में उमड़ी है, वहीं युवतियों ने भी बड़ी संख्या में फिल्म देखने के लिए अपनी पसंद व्यक्त की है। वहीं इस फिल्म को देखने के बाद महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि आज हमारी संस्कृति को बचाए रखना जरूरी है, जबकि युवा पीढ़ी पहले अपने करियर पर फोकस करती है। फिल्म देखने वाली महिलाओं ने कहा है कि इस फिल्म से सीखने लायक काफी सारी चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने कई शहरों में देखा कि इस पिक्चर के माध्यम से एक संदेश जा रहा है और आज समय की मांग है। आप देख रहे हैं आजकल का जो युवा वर्ग है, एक उम्र रहती है कि जो उम्र पढ़ाई लिखाई की रहती है, करियर बनाने की रहती है, वह लव प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। कभी कभी इस चक्कर में क्या होता है कि करियर बर्बाद हो जाता है, कि जो आज के भविष्य में जो टारगेट युवा देख रहे हैं वो चेस नहीं कर पाते। मैं दोष उन माँ बाप को भी दूंगा। कहते हैं ना कि 5 से 15 वर्ष तक खूब कहने का अनुशासन दिया जाता है और 15 के बाद में एक मित्र जैसा व्यवहार करना पड़ता है। तो सभी से निवेदन है मेरे युवाओं से, जो हमारे माँ बाप हैं, कि अपने जो युवा हैं उनसे आप मित्र जैसा व्यवहार कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के बरगलाने में युवा, केरल मूवी के द्वारा हम आज की युवा पीढ़ी को ये समझाना चाहते हैं कि अपने हिंदुइज्म, अपने धर्म को ना भूलें। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जो आजकल सब हमारी, पहले टीवी में रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, हमारे धर्म के बारे में सब बताया जाता था, लेकिन आज के जनरेशन के बच्चे टीवी में ये सब शोज देखते ही नहीं है। उन लोगों को कार्टून्स चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को, स्पेशली ये जो ये जनरेशन है, उनको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं इस युवा पीढ़ी को ये समझाना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये मूवी देख के मोटिवेट की होना और सही और गलत की पहचान जरूर करें। NBC न्यूज़ के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।